तो दूसरे स्टेट में मजदूर है हमारे पास, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, पैदल आ रहे हैं। ये बड़े ही छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं इनके लिए बड़ी ही दुख भरी बात है। सरकार को, प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक प्रकार रहीस जादे के जो पुत्र हैं जो बिना एसी के बात नहीं करते, उनके लिए कोटा लग्जरी बस की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन एक मजदूर है जो हैदराबाद से आज पैदल बीच बीच से कहीं गाड़ी से लिफ्ट मांगते हुए आज राजनांदगांव पहुंचे हुए हैं। आज मैंने तहसीलदार से बात किया कि सर इनके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था है, तो तहसीलदार ने साफ तौर पे कहा कि प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हमने मंदिर से कुछ जो चाय नाश्ता था, खाना था, उसका व्यवस्था करवाया है और अभी हम लोग गाड़ी की व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ प्रशासन ऐसे गरीब मजदूर जो इस देश के मूल निवासी राज्य के, ऐसे सरकार इस पर ध्यान दे, प्रशासन को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बेचारे दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है। और एक तरफ कोटा के लिए लग्जरी बस, सैकड़ों बस भूपेश बघेल सरकार भिजवा रही है, मैं इसका फूल विरोध करता हूँ। सरकार से मांग करता हूँ इन गरीब मजदूरों के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करे, गाड़ी की व्यवस्था करे ताकि गरीब को अपने घर तक पहुँचने में एक रास्ता निकले। काफ़ी सारे चीन लोग तकलीफ में है, बैठे हुए हैं। नाम बता दीजिए। मैं वरुण पांडे। Thank you.